गर्लफ्रेंड होती थी इधर बाजार में बैठ के मूवी देख रहे होते। एक काट देना, एक काट देना। 2023 में दूसरी का प्लान है आप? दूसरी का नहीं भाई, पहली पुख्ता लो। थोड़ा जा साइड पे हो ही होना ताकि गल गल फण जाए, गल फण जाए। सारा सारे फाड़ रहे हैं, 2023 में भी फाड़ रहेंगे, फाड़ रहेंगे। मैं मैट्रिक नहीं क्लियर कर सका, मैं मैट्रिक नहीं क्लियर कर सका। अभी मैं सोच रहा हूँ 2023 में अब मैं करूँगा इंशा। अस्सलाम वालेकुम, सूरज टीवी के साथ मैं हूँ इजाज पर। नाज़रीन, आज हम लोगों से जानेंगे कि 2022 के वो कौन से अधूरे काम हैं जो वो 2023 में पूरा करना चाहेंगे। आइए लोगों से जानते हैं उनके दिलचस्प जवाब। 2022 में ऐसे कौन से काम है जो आप नहीं कर पाए 2023 में करूँ? मैं कुछ भी नहीं कर पाया, सारा कुछ 23 में करूँगा। क्यों क्यों नहीं कर पाए? हैं, नींद बड़ी आती है यार। कितने की नींद आती है, भले आवाम को अपना चेहरा तो दिखाओ जरा। बहुत ज्यादा नींद आती है कसम से। कितना सोते हो आप? मैं कोई दिन में 10-12 घंटे कम से कम। बस बस, बाकी 10-12 घंटे वो फिर जागने में लग जाते हैं। इस तरह से बाहर नहीं आना, लाई कटो चटो फुटबॉल है, बहुत बड़े मसले मसाइल। शादी शुदी? शादी नहीं, मेरे तीन बच्चे। नहीं, मेरे तीन बच्चे। माशाल्लाह, शादी हो? अच्छा अच्छा, सही लाइन था मेरे बच्चे। एक मिनट, तीन बच्चे हैं आपके? हाँ जी। शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई। ऐसे शादी इधर उधर सोफे में से सोफे से ना, वो इधर उधर बिस्तरे में से निकल गए। दुनिया में है ही पे कहीं पे, मुझे भी नहीं पता कहां। अच्छा जी, मतलब ऐसे ऐसे जा ही जा रहे हैं, बस नहीं जा रहे हैं। सारा साल ही फर्क रहे हैं, 2023 में भी फर्क रहेंगे। क्यों? वैसे कोई काम ही नहीं है। क्या काम करना चाहते हो आप? कुछ भी नहीं, अभी स्टडी मुकम्मल हुई है, आगे देखो क्या करते हैं। अभी स्टडी कब मुकम्मल? कब पेपर हुए थे आपके? ये मेरे हुए थे, अभी रिजल्ट आया 2 माह पहले। तो अभी देखो, अभी तो पूरा साल तो नहीं वेले थे ये, अभी रिजल्ट के बाद ही फ्री बैठे हो। पेपर तो हुए हैं जाके मार्च में, उसके बाद फारग ही रहे हैं। 2022 में जो मैं यार क्रिकेट नहीं खेल सका इस साल पूरा, अगले साल लाजमी खेलना था। किस वजह से नहीं खेल सके? मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई। अच्छा, तो बहुत क्रेज है आपको? बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, तो आप मुझे बताओ और कोई मजीद ऐसे काम है मतलब जो आप नहीं कर सके 2022 में? मैं बहुत सारे ऐसे काम जो नहीं कर सका। क्या क्या? मैं मैट्रिक नहीं क्लियर कर सका, वो भी मैं सोच रहा हूँ 2023 में अब मैं करूँगा इंशाल्लाह। और अपने बच्चे को आर्मी स्कूल में दाखिल करवाऊंगा। माशाल्लाह, शादी होगी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, दो बेटे हैं माशाल्लाह। कोई 2023 में कोई तीसरे का निजाम? अल्लाह बेटी दे। यकीन मने, कोई भी ऐसा काम नहीं है कि हम ना कर पाए। अच्छा जी, माशाल्लाह।2022 में हमारे सभी काम अधूरे रह गए जो हम 2023 में इंशाल्लाह करेंगे। अभी तो आप कह रहे हो सब कर ले। वो नहीं हुआ ना हमसे बात। क्या वो नहीं? बाकी सब काम हो। वो क्या नहीं हुआ? वो 5 शॉप है हमारी भाई, वो नहीं चल पाई। नहीं चल पाई। क्या प्लान है आपके 2023 के? 2023 में जो कुछ नहीं हुआ करेंगे इंशाल्लाह, अगर जाग आ गई। आप तो अल्लाह खैर करेगा, आ ही जाएगी। वैसे क्या प्लान है, आपने सोचा हुआ कुछ? यार ये वाले काम मैंने कर रहे हैं। इतने अगर सोचने वाले होते तो यहाँ पे ठंड में इस टाइम यहाँ पे खड़ा होता सब। आप भी आओ इधर आओ, इधर आओ। बात तो सुनो, अपने दोस्त के बारे में बात करो। ये मुझे आपको लगता है कि ये 2023 में कुछ कर पाएंगे? हाँ जी, बड़ी उम्मीद है मेरी इससे। ये दोनों की यार अभी तो इसका बहुत ज्यादा। आपने इनसे क्यों इतनी उम्मीदें लगाई है? तो यार मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। मतलब दोनों का प्लान क्या है, मतलब बस जा ही रहा है, समझ जाए बस। आप आपने कुछ सोचा हुआ 2023 के बारे में? नहीं नहीं, फिलहाल तो नहीं कुछ सोचा। क्यों? बस वैसे ही सोचने का भी टाइम नहीं। 2000 इसका पूछे, 29 में जाके क्या प्लान है? नहीं, वो मैं बताना नहीं चाह रहा। लगता है कोई खतरनाक प्लान है? तो नहीं नहीं, खतरनाक नहीं, आबादी बढ़ानी है और कुछ नहीं। आबादी बढ़ानी? शादी का प्लान है? क्यों? फिलहाल तो कोई नहीं है। क्यों? कुछ पहले कमाएंगे, कुछ बने। कमाने के लिए क्या करोगे? 2000 सोएंगे। कमाने के लिए सोना पड़ेगा? सो के कमाते हो आप? खतरनाक कमाई है आपकी बड़ी। तो निकली है, उसमें सोने के भी पैसे मिलते हैं। कहाँ पे? पता नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने सुना था। सुना था, अप्लाई करना था। क्या प्लान है आपका 2023 के? 2023 अभी हैप्पी न्यू ईयर करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी उठा रही है, जरा देखें उस मेरिट के हिसाब से, फिर उसमें दाखिला लेंगे। सोचा हुआ है मजीद? अभी तक तो नहीं, वैसे उसका कंप्यूटर में है मेरे ख्याल से, आरफा करीम यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, उसमें जरा करेंगे। झूठ बोले हो कोई 2022 में? 2023 में बंदा कहता नहीं यार इंशाल्लाह आगे से। 22 हो, 19 हो, कोई भी सन हो, इंसान आजकल झूठ से ही उठता है और झूठ से ही सोता है। क्यों? ये हर बंदे को पता है, निकलता ना वो झूठ बोल के निकलता। आज मैं कहाँ पे जाता, वो
काम पे नहीं है, कहीं और निकल जाता है। जैसे आप? नहीं नहीं, मैं तो बता गया हूँ, मैं काम पे जा ही नहीं रहा। शादी होगी आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई। तो 2023 उसका कुछ नहीं सोचा हुआ? नहीं सोच रहे, वो नहीं करना, इसी वाले से तो आए हैं। इसी वाले से यहाँ पे आए हुए देख रहे हैं कोई निजाम लोग जाए तो ये इंशाल्लाह क्यों नहीं लगे। कोई आई है नजर में, कोई अच्छी लगी? नहीं, कोई बुनियादी तो अच्छी नहीं थी। क्यों? बस उसने खत्म हो गया पाकिस्तान में? मेरे अंदाजे से खत्म हो गया। आपके अंदाजे से खत्म? घर वालों ने कोई सोचा हुआ आपके लिए, कोई प्लान सोचा हुआ है 2023 में इंशाल्लाह अपने बेटे को हम ये बनाएंगे, या आपने कुछ सोचा हुआ कि अपने माँ बाप के लिए मैं 2023 में ये करूंगा? बंदे ने खुद बनना होता, माँ बाप ने कहा बनाना, माँ बाप ने छोटे होते बनाना कपड़े बनाने होते हैं बस, और आपने कुछ बनाना है उनके लिए? यार वो इस तरह बनता होता तो फिर बना चुके होते हैं। कोशिश तो किस तरह बनेगा, कोशिश में क्या करोगे आप, क्या चाह रहे हो कि ये करूंगा तो फिर वक्त तो पेपर पास हो जाए, बड़ी गल है। कोई गर्लफ्रेंड वगैरह कोई चक्कर? अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर ना। क्यों अल्लाह क्या माफ करे? गर्लफ्रेंड होती तो इधर बाजार में बैठ के मूवी देख रहे होते, मूवी देख रहे हैं यहाँ पे बैठ के भी देख रहे। वैसे ही घर वाले गए हुए हैं, वो सामने वो देखे ना, वो आ रहे हैं, वो उधर गए हुए हैं। और जो भी है बंदे की कमजोरियां रह जाती हैं, जो नहीं इस साल मुकम्मल हो सके वो कोशिश। जैसे 5 वक्त हम अक्सर नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ, जुम्मा नहीं पढ़ पाते, ईद की नमाज छोड़ देते हैं। ऐसे ही है वो इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। कितनी उम्र होगी आपकी? 23 पता कितने होते हैं? 32 ना गन। हेलो जी, सच्ची? हाँ जी, 32 साल दे हो? जी 32 साल है। ना यार, हाँ ठीक है, 32 23 भाई, 32 23 पंजाबी चिकन दे। 23 तो शादीशुदी की कोई बात चल रही है? फिलहाल तो नहीं, अभी पहले कुछ बड़े होंगे बनेंगे, फिर कुछ आगे बात वगैरह चलाएंगे। अभी बात भी नहीं चली? नहीं, अभी सिर्फ आप दोनों तक बात है? नहीं, घर वालों तक है। घर वालों तो क्या, किसके? उसके आपके? हाँ, मेरे मेरे। उनके घर वालों तक कब जाएगी? जब इस काबिल हो जाऊंगा कि हाँ, मतलब आप कुछ कर रहे हैं लड़का। फिर क्या प्लान है, क्या सोचा हुआ ये वाला काम करना है? ये वाला मैंने इंजीनियरिंग का सोचा हुआ, तो फिर उसी में देखेंगे। 2022 में ज़रा फोकस नहीं किया स्टडी पे, ज़्यादा करते रहे वारागर्ती करते रहे। अब 2023 में ज़रा पहले सेमेस्टर से शुरू करते ही ज़रा पढ़ाई की तरफ देखेंगे। वारागर्ती किसके साथ करते रहे? थोड़े दोस्त, कोई इधर से आ जाता कोई उधर से। तो दोस्त बदलोगे या क्या करोगे, उन पे कंट्रोल करोगे? कंट्रोल करेंगे आप। हर मुसलमान की कोशिश होगी कि वो अपने वालदान या भाइयों को वो लाजमी करवाए, उम्रे पे भी लेके जाए। ये तो किसी भी मुसलमान की ऐसी सोच नहीं होगी कि वो ना करवाए। बिल्कुल, वो ये नहीं कि 2023 में उसकी ख्वाहिश हो, 19 में भी हो, 20 में भी हो, 24 में भी हो, जहाँ भी उसको मौका मिले वो लेके जाएगा। 2023 में दूसरी का प्लान है आपका? दूसरी का नहीं भाई, पहली पुख्ता लो। क्यों भाई? पहली जो है ना, अल्लाह ताला जो इंसान अच्छा हो, बीवी अच्छी हो ना, उसको लिए ये एक ही बहुत है। बिल्कुल, और दूसरी की तमन्ना ही नहीं है। अल्लाह ताला उसी के साथ खुश रखे, उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे रहा, मुझे उसके सर पे सलामत रखे, उसको मेरे सर पे। और मेरे अंदाजे से तो अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, मस्जिद में बैठे रहे, तबलीग के साथ चले। ये भी तो जरूरी है ना आप? अच्छा अच्छा, ये नहीं करनी, कोई नहीं सोचा हुआ इस बारे में? ये भी नहीं सोचा हुआ कि चलो 5 साल बाद, 10 साल बाद, या घर वालों पे छोड़ा हुआ है कि उन्होंने भी सोचना छोड़ दिया है? इंशाल्लाह 30 साल के बाद। 30 साल के बाद? 30 साल के बाद क्या होता है? जब अभी मेरे 2023 चल रहा है ना, नहीं उतला साल 2023 का आ जाएगा इंशाल्लाह, 2030 में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। क्यों? बस ऐसे आप भी साल के हिसाब से चल रहे हो, बस वो एक साल ऊपर नीचे हो गया आपका। कोई मसला नहीं है, तो जिंदगी का हिस्सा है। तो कोई ऐसे काम है जो आप इसके अलावा चाहोगे कि 2022 में यार मैं ये नहीं कर पाया, मैंने 2023 में करने हैं? कोई कारोबारी हिसाब से चलो हो गया, उसके बाद कोई लाइफ में कोई ऐसे मसले मसाइल हुए हों जो आपको, या नहीं 2023 में इंशाल्लाह इसको मैं बेहतर करूंगा? नहीं, फिलहाल तो बस इंजॉय कर। नमाजें पढ़े माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पांचों जी इंशाल्लाह। 2023 में भी इसको जारी रखेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।